नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भाई, आज हिंदी सेशंस में रशपाल कौर अपनी बात रखेगी। रशपाल कौर दीदी असिस्टेंट प्रोफेसर है मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। दीदी ने फर्स्ट वर्कशॉप जुलाई 2022 में किया था। उसके बाद में दीदी ने एक फेस टू फेस वर्कशॉप दिसंबर 2022 में किया था और दीदी का ये शायद पहला ही मॉर्निंग सेशन। लेकिन हम सभी ने देखा है कि दीदी के बहुत सारे क्वेश्चंस और शेयरिंग भी हुआ करती थी और कभी कभी तो कुमार भैया दीदी को बोल देते थे, नहीं नहीं शेयरिंग है तो नहीं, कुछ क्वेश्चन है तो रखिए। तो दीदी आज आपकी शेयरिंग है, आप बहुत सारी बातों को रख सकती हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। दीदी ओवर टू यू। नमस्ते भैया। नमस्ते दीदी। नमस्ते सभी को। आप सभी के सहयोग से जो आज मैं इस 3 महीने में मॉर्निंग सेशन से जुड़ी हुई हूँ और सबसे पहले UHV 1 इंग्लिश सेशन को जब मैंने अटेंड करा तो उसमें कंटेंट क्लियर ना होने पर दोबारा जुलाई 2022 में मैंने 5 डे का ऑनलाइन सेशन कंप्लीट करा, जिसमें जो मेरी उस टाइम करंट सिचुएशन थी उसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और सेल्फ और बॉडी को लेकर और फिजिकल फैसिलिटीज और मानव का मानव के साथ संबंध में जो कुछ भी सीखा उसमें सबसे पहले जो वर्ड मैंने UHV 1 में कि सेल्फ हमेशा खुश रहना चाहता है और बॉडी फिजिकल फैसिलिटीज में जो सुविधा संग्रह और असीमित वस्तुओं के साथ खुश रहता है, तो उसमें वो जो वर्ड बताया गया था दरिद्रता, कि हम असीमित जो सुविधा संग्रह कर लेते हैं वो एक मानव के लिए दरिद्रता का को दर्शाता है। उसको लेकर मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगे और जैसे कि जुलाई 2012 में मैंने UHV फर्स्ट कंप्लीट करा तो उसमें मेरे बेटे की शादी का भी प्रोग्राम चालू हुआ और वो जिस दिन सेशन का लास्ट डे था उस दिन लड़की वाले हमारे घर में थे। तो जब ये दरिद्रता का वर्ड सुना कि हमने असीमित संग्रह करने से जो दरिद्रता आती है उसकी हमें समझ नहीं है, क्योंकि सेल्फ के पास तो कॉन्शियस है और उस कॉन्शियस में जब इतनी समझ नहीं है तो अवश्य जितनी ज़रूरत है उतनी ही हम क्यों ना चीज़ों को यूटिलाइज करें, जिसमें हम बहुत सारे प्री कंडीशंस होते हैं, ये चीज़ भी ले लें, गहने ले लें, पार्टी बढ़िया कर लें और सदस्यों की गैदरिंग बहुत अच्छी करें, लेन देन ऐसा होना चाहिए। तो मैंने कहा हम लोगों को इतनी चीज़ों की ज़रूरत है ही नहीं है, तो उस प्री कंडीशंस को मैंने कैसे जान कर मान कर और पहचान कर मैंने सोचा कि हमारी जो मेरे सेल्फ के पास जो कॉन्शियस है उस कॉन्शियस से अगर हम समझदारी से काम करें तो हम बहुत सारी चीज़ों से प्री कंडीशन से हम बच सकते हैं। तो उससे सबसे पहले लेन देन का जो मामला था उसके लिए बिल्कुल हम लोगों ने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने सोचा हमें कुछ नहीं चाहिए, जो भी चाहिए हमें लड़की अच्छी चाहिए, उसका बिहेव अच्छा हो, वो भी हमारी एक डिमांड थी, पर वहाँ पर भी हम लोग प्री कंडीशंस में थे। तो जैसे कि मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा IIT कानपुर से BTech पास आउट कर रहा, 8 साल हो गए, अभी प्लेसमेंट में जर्मन में है, और छोटा बेटा मेरे पास है जो कि फिजिकल इंस्ट्रक्टर है विद्या नॉलेज यूनिवर्सिटी में। तो अगर इस छोटे से परिवार में फिजिकल फैसिलिटी जितनी ज़रूरत है जितना हम यूटिलाइज कर पाए उसकी सही समझ आए और परिवार में सही फीलिंग्स रहे, जैसे कि कुमार भैया बार बार कहते हैं कि अगर हम लोगों का भाव सही हो तो उस भाव के पीछे जो हैप्पीनेस है
वो ज्ञान के बिना असंभव सी नजर आती है। जैसे कि हारमोनी, एक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में हम खुश रहना चाहते हैं, और मैं नहीं दूसरा भी खुश रहना चाहता है। इस चीज की जो समझ आई कि मैं तो हमेशा ही खुश रहना चाहता और दूसरा भी तो हमेशा खुश रहना चाहता है, तो उस खुशी को निरंतर, हम सब इसको निरंतर चाहते हैं, तो इस निरंतरता में हमें जो एक सही समझ होनी चाहिए उसको मैंने UHV 3 में समझा। UHV 2 फेस टू फेस में बहुत सारी चीज़ें भी समझ आई, पर क्लैरिटी ज़्यादा UHV 3 में ही आई, जिसमें एक जो सर ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया शरीर और मैं में जो अंतर है, उसमें मैं स्वतंत्र तभी हो सकता है जब वो अपनी प्री कंडीशंस को हटाएगा, और शरीर के लिए एक ऐसा प्रपोजल और प्रोग्राम बनाया जाए जो सही समझ से, जिसमें हमारा सही टाइम पर उठना, सोना, खाना, हमारा लाइफस्टाइल, व्यायाम, हमारी ब्रीथिंग, रेगुलेटिंग ब्रीथिंग, हमारा लेवर एक्सरसाइज, और शरीर को चलाने के साथ साथ हम जो हारमोनी चाहते हैं वो डिसहारमोनी में बदल ना जाए, उसके लिए उसके पीछे जो सही भाव बार बार सर ने UHV 3 में हम लोगों को प्रैक्टिस कराया, एक्सरसाइज करी, और सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशंस में सर ने एक्सरसाइज कराई आंख बंद करके, खोल के और आधी आंख खोल के, वो बहुत ही कारगर रही, जिसमें शरीर और मैं में जो अंतर समझ आया उस ऑब्जर्वेशन में, कि सभी शरीर की जो संवेदनाएं हैं वो कुछ भारी और आंतरिक है जो हमारे भाव को प्रभावित करती, पर उसके पीछे जो हमें प्रपोजल और प्रोग्राम और पोटेंशियल, तीनों चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से सर ने समझाया कि राइट अंडरस्टैंडिंग जब भी हो सकती है जब हम assumptions जो हम मान के बैठे हुए हैं उससे हम उसको वेरीफाई करें किसके बेस पर, कि वो नेचुरल एक्सेप्टेबल है भी है कि नहीं, उसको जी कर देखें, व्यवहार में ला कर देखें, तभी हमें म्यूचुअल हैप्पीनेस मिल पाएगी। और मैं तो खुश रहना ही चाहता हूँ, दूसरा भी खुश रहना चाहता है और हमेशा खुश रहना चाहता है, और इसमें मैं सर ने बताया कि जो हमारी प्री कंडीशन है उसमें हम कैसे जकड़े रहते हैं, बेहोशी में हम लोगों की ज़िंदगी जैसे 55 साल में हम गुजारते आ रहे हैं, उससे पहले मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसी समझ भी होनी चाहिए जो हमें खुशियां ला सकती है, खुशियां दे सकती है और निरंतर खुशियां दे सकती है। उसकी समझ जो UHV 3 में वैल्यूएबल फीलिंग्स को कैसे हमें यूज़ करना है, और जहां पर भी हमारे पास डाउट आता है तो वहां हमारा ट्रस्ट ख़त्म होता है और हम इरिटेट होते हैं, हमारे में गुस्सा आता है, अपोजिशंस आती हैं ये, और अपोजिशन में सर ने एक चीज़ बहुत अच्छी समझाई, जैसे प्रकृति में अपने स्वतः सह अस्तित्व में बना हुआ है, उसका डिज़ाइन ही ऐसा है, वो एग्जिस्ट में है, कोई अपोजिशन नहीं है उसमें, कोई स्ट्रगल नहीं है, पूर्णता फिट है, और शरीर भी ऐसे ही पूर्णता फिट है, एक डिज़ाइन किया हुआ है सह अस्तित्व में, प्रकृति ने उसको ऐसा डिज़ाइन करा, कोई भी अंग प्रत्यंग, कोई भी शरीर का ऑर्गेन एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, नेचुरली को एग्जिस्ट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, और वहाँ पर हम फसावट हमारी आती है कि सेल्फ और बॉडी में हमारी जो को एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रही सही तरीके से, वही हारमोनी और हैप्पीनेस हम खो देते हैं। तो उस हारमोनी और हैप्पीनेस को पाने के लिए हम लोगों का जो प्रोग्राम होना चाहिए उसमें बॉडी फिटनेस तो ज़रूरी है ही है, और उसमें राइट अंडरस्टैंडिंग और उसके पीछे जो ज्ञान और भाव, भाव की एक्सरसाइज सर ने इतने अच्छे तरीके से कराई कि हर चीज़ में हम कहीं पर भी किसी भी जगह पर कर रहे हैं तो अगर हमारे भाव सही हैं तो ऑब्वियसली हम हारमोनी में हैं, डेफिनेट है, अदरवाइज हम इनडेफिनेट और डिसहारमन होने में कहीं पर भी हमें देरी नहीं लग सकती। और जो को एग्जिस्टेंस में
चारों ऑर्डर्स के साथ, भौतिक अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और मनुष्य में जो कॉन्शियस है उसमें, भौतिक अवस्था में सर ने 1 वीक के सेशन में ये बताया, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हम प्रकृति से कितना लेन देन कर रहे हैं। अगर इस चीज की अगर हम लोगों को समझ आ जाती है तो ऑब्वियसली हम जो प्रकृति का जो चेन है, जो साइकिलिंग है, उसमें ये डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स से बच सकते हैं। उसका एक एग्जांपल प्राण अवस्था में बहुत अच्छा एक मेरी जो एक्सपीरियंस रहा या अनुभव से मैंने जाना और पहचाना कि जो हमारे नाना जी ने हमारे लिए इतने सारे पेड़ बाग और फल लगाए हुए थे, उसमें हम लोग बचपन हम लोगों ने कैसे गुजारा, एक पेड़ से उतरना, दूसरे पेड़ पे चढ़ना, खाना टापना, और हमारी आती हुई जनरेशन क्या इन चीजों का एक अच्छी हवा, साफ हवा भी नहीं ले पा रही। और पेड़ों के पके हुए ऑर्गेनिक फल तो खा ही नहीं पा रही। और हम लोगों का बचपन कैसा रहा, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने हम लोगों के लिए कुछ प्लान करा हुआ था, कुछ प्रोग्राम्स बनाए हुए थे, और उनका पोटेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग था कि हम लोगों को हर चीज आगे की जनरेशन के लिए सोच रहे थे, सस्टेन डेवलपमेंट था, पर हम लोग उस डेवलपमेंट में कहाँ भागीदारी दे पा रहे, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि उस प्राण अवस्था में हम उसको समझ ही नहीं पा रहे, पेड़ पौधों को हम समझ ही नहीं पा कि वो हम लोगों के लिए कितने लाभदायक है। और ऐसे ही सर ने जैसे जीव अवस्था के बारे में बताया कि कई जीव लुप्त हो रहे हैं, तो हम लोग की भागीदारी कहाँ तक है कि हम लोग इतना भी समझ नहीं पा रहे कि ये जो एक नेचुरल को एग्जिस्टेंस है, को एग्जिस्ट कर रहा है पूरी अवस्थाएं ऑर्डर तीनों, तो उसमें हम लोग की क्या भागीदारी, उसको समझना सिर्फ UHV में ही हम लोगों ने सीख पाया, और उसमें डेफिनेट होना और उसके लिए ज्ञान के ऊपर काम करना। और लास्ट जो सर ने लास्ट भी मंथ में हम लोगों को समझाया वो भी बहुत बढ़िया था, कि जिसमें एक श्लोक का शेयरिंग करना चाहूंगी कि सूरज जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एत्य चानन हुंदिया गुरु बिन गौर अंधार, कि हमारे इस पूरे UHV ग्रुप में काफी सारे गुरु होंगे, तो उन गुरुओं को भी भागीदारी बनती है कि हमें आगे आती हुई जनरेशन के लिए क्या क्या सस्टेन डेवलपमेंट करने हैं, निरंतर करने हैं, उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर वहां पर रुकावट हुई तो वो सबके हम लोगों के लिए, सबके लिए जो हम, अगर हम गुरु भी हैं तो हम कहीं पर भी नहीं बच पाएंगे। इस चीज को समझाया सर ने बहुत अच्छी तरीके से कि हमें जांच पर करके उस वास्तविकता को स्वीकार करना है और अजम्पशंस को हटाना, तो ये डेफिनेट जो वैल्यू रही। और मानव संबंधों के साथ जो व्यवहार, जिसमें फैमिली और चारों लेवल में अपने और मैं के साथ को एग्जिस्टेंस, फैमिली में उन फीलिंग्स को, कि अगर डाउट है तो डेफिनेटली बहुत कुछ हम उस ट्रस्ट से, उस ट्रस्ट की फीलिंग को हम नहीं पा पाएंगे, जिसमें हम अपनी इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे। और विश्वास से अगर हम हट रहे हैं तो गुस्सा, अपोजिशन, इरिटेशन तो आने ही वाला है, तो वहाँ पर फैमिली में अगर हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे तो मेरे मैं को इतनी समझ नहीं है, उसके लिए वो ऐसा प्रोग्राम नहीं बना सकता कि फैमिली में कंट्राडिक्शन ना हो। अगर सर ने हमें अपनी कंट्राडिक्शन को खत्म करने का प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशंस में कराया तो हम लोगों की भी भागीदारी बनती है कि हम फैमिली और फैमिली मेंबर्स के साथ सही राइट अंडरस्टैंडिंग और एजम्पशंस को खत्म करते हुए वेरीफाई करें और वो नेचुरल एक्सेप्टेबल है और जी कर अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करें और म्यूचुअल हैप्पीनेस को पा सके। एक ये जो भागीदारी फैमिली के साथ और सोसाइटी के साथ और नेचर के साथ,
ये इसमें मानव संबंधों को समझना और निभा पाना बहुत आवश्यक है और उसके पीछे सही भाव और रिश्तों में कमी नहीं ला सकता, ये मेरा मानना और जानना हो पाया UHV 3 में। तो प्री कंडीशंस को कैसे हम लोग हटाना है उसकी जो प्रैक्टिस करी, कि हम लोग कई मान्यताओं को लिए बैठे रहते हैं कि ये सही है, पर उसमें हम लोग हारमोनी तो नहीं मिल पाती ना, हम लोग का सेल्फ डेवलपमेंट भी नहीं हो पा रहा, बिहेवियर भी नहीं हम सही कर पा रहे, उससे उस संबंधों को समझे बिना हम निभा भी नहीं पाएंगे, तो सेपरेशन होना जाहिर ही है। तो आज के समाज में जैसे जो रिश्ते नहीं निभा पा रहे, उसको समझना और उसको निभा पाना अपनी उन फीलिंग्स के साथ, ये भी एक पार्ट कि वो नेचुरल एक्सेप्टेबल है, और निरंतर रहने से हम लोगों को ऑब्जर्वेशन जो हमारी ऑब्जर्वेशंस रही उसमें सर ने अभ्यास कराया जो कि बहुत ही कारगर रही, और मॉर्निंग सेशन को सुबह उठना और सुबह उठ के कंटिन्यू रहना, एक शायद मेरी कोई ऐसी मन में इच्छा रही होगी कि मैं रेगुलर नहीं हूँ किसी भी काम में, पर 3 महीने में वो जो नियमित कार्यक्रम रहा मेरा, जैसे भी कैसे मेरे को इस कंटेंट को समझना है, क्योंकि जब मेरे को उस चीज़ का बहुत आगे लग रहा है, उस भागीदारी में मैं निभाने में सक्षम हो पा रही और उस सक्षमता से हैप्पीनेस और हार्मनी आ रही है मेरी फैमिली में और समाज में भी, जितने लोगों के साथ जब जैसी मेरी प्री कंडीशंस थी, अलग से बैठे रहना, बात नहीं करनी किसी से और अपने आप को रिजर्व रखना कि ये हम लोगों को, जैसे मेरे हस्बैंड तू बहुत ऐसे रिजर्व रहती है, ऐसे सही नहीं, मिलना जुलना बात करना सही रहना है, अपने आप को भी सही रखना, तो ऐसे लगता था कि हस्बैंड ऐसे ये बातें बोल रहे हैं तो कैसे सही रहा जाए, ये क्वेश्चन आता था कि हमें सही कैसे रहना, सही समझ कैसे आनी चाहिए, तो वो सही समझ वो राइट अंडरस्टैंडिंग को यही परी समझ आई कि हम लोगों को डेफिनेट कैसे होना, कुछ हिंदी भाषा में मेरा इतना पकड़ तो नहीं है, आम भाषा को ज़्यादा ही से समझा पा रही हूँ, पर कंटेंट में जो B2 से हम B1 में शिफ्टिंग हो रहे हैं, यानी कि जो हमारी चित्र इमेजिनेशंस में रहा, उस इमेजिनेशंस और विचारों और आशाओं में हम जो जी रहे थे, वो अब चेंज होकर B1 में आया, जिसमें मैं चिंतन कर पाई और बोध कर पाई राइट अंडरस्टैंडिंग से, और डेफिनेटली रिजल्ट सही रहे, और जिसमें प्रपोजल प्रोग्राम भी बनाया और उसमें कई समस्याएं थी परिवार में भी, उसके लिए भी आराम से बैठकर कौन सा समय सही है, कब उसको रखना है, और हो सकता है अगले की क्षमता को बढ़ाने में मेरे मैं मददगार नहीं रही हो, भागीदारी नहीं रही हो, कहीं मेरे में ही कमी हो, तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से UHV ने मॉर्निंग सेशन में समझाया और उसको सहज स्वीकार किया कि इस आधार पर ही मैं मान्यताओं से हटकर अपने आप को अपनी भागीदारी से जोड़ पा रही हूँ, अपने आप को परिवार में और उस व्यवस्था को ले पा रही हूँ जिसमें सब खुश रहे। मेन जो है आदमी जो संसार में अगर आया है तो उस में वो सबसे पहले, जैसे सर ने कहा कि वो हमेशा निरंतर सुख को चाहता है, खुशी को चाहता है, उस खुशी को पाने के लिए हम लोगों को जो सर से हमें समझ आई कि हमें राइट अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही वर्क करना है और उसके पीछे जो ज्ञान है उसको समझना है, अपने लिए नहीं, चारे जितने भी और लेवल है, हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग, फैमिली में, सोसाइटी में, नेचर के साथ, और उससे हम बहुत प्री कंडीशंस को हटाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो इसकी जो एक सतत
डेवलपमेंट नज़र आया मेरे को, वो उसके लिए मैं पूरी UHV जो भी टीम के मेंबर हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और स्वयं के ऊपर जो मैंने काम कर पाई, अभी इतना काम तो नहीं कर पाई, अभी शुरुआत है, और कल्पनाशील में जो अभ्यास में जो फर्स्ट स्टेप है, भाव और विचारों को देखा और समझा कि हम लोगों को कितनी कल्पनाशील और विचारों में हम उस द्वंद में फंसे हुए हैं, अगर हमारा भाव सही है, हमारी भागीदारी है उसमें कि हम अपने लिए तो सही करें पर सही समझ के साथ दूसरों के साथ भी उनका पोटेंशियल क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करें, तो इस प्रोग्राम और प्रपोजल से हम सहज भाव से और मानव का मानव से संबंध के रूप में भावों को देखते हुए इसको निरंतर बनाए रखने के लिए हमें प्रयास करना है। और जैसे स्टेप 3 में क्या है, सहज भावों के साथ हम संगीत में हो, आराम में हो, सुखी रहे, इसके लिए जो प्रैक्टिस हम लोगों ने अभ्यास ऑब्जर्वेशंस में करी वो बहुत ही कारगर थी। उससे पहले तो शायद मैं ऐसी नहीं थी, शायद नहीं पक्का ही डेफिनेट मैं ऐसी नहीं थी, तो उसमें जो प्रैक्टिस करी और जो जिस दिन सर ने ऑब्जर्वेशन में बताया कि बॉडी और शरीर में डिफरेंस है, उस शून्य को हमें पहचानना है और वो उस स्पेस में हम सब बने हुए हैं, उसमें हमें अपनी भागीदारी भी निभानी है, और वो जो एक्सरसाइज रही शरीर और सेल्फ के बीच में जो अंतर को मैं देख पाई, उसमें मेरे को बहुत हार्मनी और हैप्पीनेस फील हुआ कि वाकई में ऐसा है जो कि हम लोगों को पता ही नहीं था। इतने साल की उम्र हम गुजार आए और हम लोगों को पता ही नहीं कि शरीर और बॉडी अलग है, और उसमें भावों उस भावों में हम सही निर्णय का जो प्रैक्टिस हम लोगों ने करा वो वाकई में बहुत अच्छा रहा, और बहुत शिकायतों से मुक्ति मिली, पर वो सब UHV 3 में हो पाया। ठीक है, UHV 1 और 2 में मैंने बहुत कुछ समझा, और जो फिजिकल फैसिलिटीज के ऊपर मैंने वर्क करा, अपनी बहू को भी ये जो कंटेंट है जब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ तो उसको भी मैं समझाती हूँ, वो पूछती है मेरे से कि फ़ोन पे जब भी फ़ोन आएगा मम्मी आज क्या कंटेंट रहा उसमें, तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझती है, और मैंने देखा उसकी समझ में भी बहुत अंतर आया। उसकी समझ पहले ही बहुत अच्छी थी कि जिसमें उसने ये डिसीजन लिया कि लेन देन हम लोगों का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी बिना लेन देन के हम लोगों ने जो ये विवाह समारोह किया, उसमें जो पार्टी में, पार्टी तो वैसे हमने थोड़ा बहुत कम बंदों की, जितने भी मेंबर्स थे कम मेंबर्स थी, पर घर आके जब हम डोली लेके आए तो उसमें मेरे हस्बैंड का डिसीजन था कि हम जो खाना लंगर बनाएंगे उसमें हमारी फैक्ट्री के सारे मजदूर भी होंगे, तो उन मजदूरों को खाना खिलाया, और उसके बाद हम लोगों ने उनको जितना खाना बचा हमने कहा जितना हो सकता है जितना जो ले जा सकता है ले जाए, और इतनी खुशी मिली, यानी कि हम जो अगर होटल में ऐसी पार्टी करते शायद ऐसी खुशी हम लोगों को नहीं मिल पाती, जो हमें अपने यहाँ पर सबकी भागीदारी से मेरे हस्बैंड के इस डिसीजन से हम लोग ले पाए, और बहू भी बहुत खुश हुई, बच्चे भी उनमें बहुत खुशी आई, खुशी मिली कि हम लोगों ने एक जो मुहिम चलाया कि हम ऐसी पार्टी करेंगे जिसमें हमारे फैक्ट्री के सारे कारीगर भी होंगे, तो उन कई शिकायतों से हम लोग मुक्त हो पाए और अपने आप को मैं हम लोग परिमार्जन कर पाए, क्योंकि उस परिमार्जन में हम लोग में काफ़ी सुधार आया, और निर्णय लेने का भी डिसीजन कि वो निर्णय कैसे लिया जाए और वह सबको स्वीकार हो, और किसी भी जितने भी ऑर्डर्स है उसमें कभी भी हम लोगों का जो निर्णय लिया हो उन ऑर्डर्स में कहीं पर भी एक कंट्राडिक्शन ना डालता हो, उसमें बाध्य ना हो, ऐसा डिसीजन लेना है कि हमारे तीनों ऑर्डर्स में सही तरीके से एग्जिस्ट कर पाए और हमारी एग्जिस्टेंस भी उसमें
सही समझ से सही रहे और संबंधों में व्यवस्था में सह अस्तित्व का भाव में जो सह स्वीकृति आई वो सिर्फ UHV 3 को ही से ही प्रेरणा मिली और अस्तित्व को समझा, शून्य को समझा, शून्य को समझाने में जो सर ने एक पूरा जो टाइम दिया बहुत ही सही कारगर रहा और आगे जो मेरा लाइफ का आगे का जो समय रहेगा वो शायद इस अस्तित्व को समझने में और उसमें भागीदारी में मैं अपनी पूर्णता निभा पाऊंगी। तो वो समय आगे का समय मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ, निश्चय करा है कुछ भागीदारी मैं निभा पाई पर कुछ भागीदारी नहीं कर पाई जिसमें मेरे को डिवाइसेस चाहिए थे, उस डिवाइसेस में थोड़ी सी कमी थी तो उस वजह से मैं सर ने जो मेरे को जिम्मेदारी दी थी मैं पूरी नहीं कर पाई, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। पर आगे भविष्य में जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसको निभाऊंगी, पर एक जो एक शिक्षा संस्कार के थ्रू उस माध्यम से जो हम आगे अपने जनरेशन के लिए या सस्टेन डेवलपमेंट के लिए भागीदारी निभा पाएंगे उसके लिए मैं जितना भी हो सकेगा मैं जितना बन पाएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ और इस क्षण में निर्णय पूर्वक अपने भाव संबंध व्यवस्था और साहित्य के भाव के अर्थ में सुनिश्चित कर मैं सुखी हूँ। हर क्षण ऐसी सुनिश्चितता पर मैं निरंतर सुखी हूँ। तो इसका अभ्यास मैं सिर्फ UHV के थ्रू ही कर पाई और संबंध व्यवस्था साहित्य को संपूर्णता को समझा भी और जो भाव सर का एक क्वेश्चन था जब हम ये प्रैक्टिस कर रहे थे कि आप खाना बना रहे हैं तो उसमें आपका क्या भाव है, तो मेरा आंसर था कि मैं अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ का सही रखना चाहती हूँ। तो सर ने जब पूरा कंटेंट खत्म हो गया तो आया कि एक और अगले दिन फिर सर ने एक्सरसाइज कराई कि घर में मेहमान आए, हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको खाना खिलाया, उसका पूरा सत्कार करा, पर जाते वक्त हम कुछ बोल पाए, कुछ हमने कुछ ऐसा कह दिया कि वो हमारे जितने भी भाव थे वो सब भाव जीरो हो गए। तो इसमें कि हर टाइम हमें सतर्क रहना है, तो उस सतर्कता के पीछे जो भाव के साथ हमें निर्णय लेने हैं उसका प्रैक्टिस भी अभ्यास बहुत सही रहा इसमें UHV में और निरंतरता निरंतर सुख प्राप्त करने में जो हम लोगों ने प्रपोजल प्रोग्राम और पोटेंशियल को समझा, लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी अपनी को भी बढ़ाना और दूसरे की लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी में भी मदद करना, ये एक सबसे बड़ा और सबसे पहला काम रहा जो हमने UHV सेकंड में भी समझा कि हम जो डिजायर्स अपने आप बना लेते हैं और जिसके ऊपर हम आशाएं रखते हैं, तो जो UHV सेकंड में मैं सीख के आई तो उसको मैंने कहा मैंने इच्छा ही नहीं रखनी, कुछ लेन देन करना ही नहीं है मैंने अपने बेटे की शादी में, तो अगर मैं इच्छा नहीं रखूंगी तो ऑब्वियसली मैं वो संबंध सही तरीके से बना पाऊंगी, क्योंकि मेरी एक मेन जो फोकस था वो मेरे संबंध सही बने रहे उसके ऊपर था, तो संबंध सही बनाने के लिए सही भाव भी जरूरी था, तो उसके लिए जो फीलिंग्स आनी है उस पे भी वर्क करना था। तो बहुत सतर्कता से मैंने वो पूरा आयोजन समापन किया और जितने भी संबंधी थे उनके साथ अच्छे भाव से काम करने का और उस इच्छाओं को साइड में रखने का कि लेन देन बिल्कुल नहीं करना, कमिटमेंट इतना है कि जहां पर भी मेरी भागीदारी की जरूरत हो तो मैं वो करने के लिए सदा तैयार हूँ, पर उसके लिए मेरे को खुद को अभी समझ नहीं पा रही कि मैं कहाँ अपनी भागीदारी निभा पाऊंगी। तो इसमें जो जिनको बहुत एक्सपीरियंस है वो मेरे को बताने में मेरी सहायता करें कि मैं कहाँ पर अपनी भागीदारी सही तरह निभा पाऊंगी। धन्यवाद सर। अभी मैं
कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात रखे। सभी को नमस्ते। रशपाल दीदी के बारे में कहूंगा कि बहुत ही भाव प्रधान ढंग से इनका जीना है, अभिव्यक्ति है, तो जिन्होंने शेयरिंग भी की उसमें भाव की काफी प्रधानता भी दिखाई दी। कई बार शब्दों के चयन में या विश्लेषण में चूक हो जाती है, परंतु वो चीजों को भाव के स्तर पर ले जाकर देखने का और उसको जीने का प्रयास करती है और फिर उसको रिफ्लेक्ट भी करती है अपने अतीत के साथ, अपने वर्तमान के साथ, घर में घटी घटनाओं के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा है। और आप नियमित रूप से इस सत्र में जुड़ी रही हैं और जैसा आपने शेयर भी किया कि फेस टू फेस वर्कशॉप अटेंड करने के बाद ये जो आपने मॉर्निंग सेशन अटेंड किया है, इससे आपकी समझ बढ़ी है, सजगता बढ़ी है, आपके परिवार में अनुकूलता भी है, आपके हस्बैंड भी इस चीज को सुन पा रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपके पास समय भी है ना, दोनों बच्चे सेटल हैं, समय भी है, तो आप अध्ययन में जितना और मन लगाएंगी और भागीदारी के और अवसर देखेंगी तो उससे आपकी स्वयं की गति बढ़ेगी और समाज गति तो बढ़ेगी। जी तो जी, इसके बारे में आप मन बनाइए। और ये जो बात हो रही थी पिछले दिनों की फेस टू फेस वर्कशॉप सभी AKTU में यानी उत्तर प्रदेश में भी बढ़ने वाले हैं, तो जहाँ भी आपको अवसर मिले मेरठ के आसपास, आप प्रयास करिए कि आप वहाँ आ जाए, तो आपकी भागीदारी भी होती रहेगी, है ना, एक ऑब्जर्वर के रूप में। जी जी जी, जरूर सर, आप जब भी इनवाइट करेंगे मैं हमेशा रेडी हूँ। जी, बहुत ही बढ़िया रही दीदी। और जो बच्चे की शादी को लेकर आपने शेयरिंग की, इस तरह से मिलकर वर्कर्स के साथ आपने कैसे साझा किया उस अवसर को, बहुत ही अच्छा। शादी कितने वर्ष पहले हुई है बच्चे की? सर पिछली बार अगस्त, 1 अगस्त को सेरेमनी आने वाली है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, नाइस। यानी यूएसबी से जुड़ने के बाद ही शादी? यूएसबी के जरिए ही हुआ, वो जो हम लोगों का एक प्री कंडीशन था हमने उसको हटाने की पूरी कोशिश करी। अच्छा बढ़िया। और आपके लड़के, आपने कहा 7 वर्ष पहले उन्होंने बीटेक किया यही कानपुर से? जी, सिविल से करा था। सिविल से किया, बहुत अच्छा, पर वो प्लेसमेंट उसने उसमें कोडिंग में ली थी, तो पहली पूना में रही उसकी प्लेसमेंट, फिर उसके बाद बैंगलोर आया, फिर बॉम्बे, फिर लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में वो घर से ही कर रहा था, सेट डेस्क बिल्डेक्स में। उसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि आगे अगर कभी अवसर मिले तो बच्चे को भी कहिए कि वो भी वर्कशॉप कर ले, तो परिवार में सब लोग कर लेंगे, है ना, और बहू भी कर ले तो और परिवार में अनुकूलता बनेगी, आपस में हारमोनी और बढ़ेगी। सर वो लोग कुछ और अलग नाम से, उनके दोस्त ना उनको कोर्स कराते हैं शायद, ये लोगों का ग्रुप है कुछ, वर्ड एक्सप्लोरेशन कुछ ऐसा कुछ शब्द बोल रहा था कि उसमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन का वो कोर्स कर रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, तो आप बताइएगा, हम लोग भी जानना चाहेंगे ऐसा क्या प्रोग्राम और चल रहा है। जी जी सर, जरूर सर। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।